दोस्तों, फिल्मी और टीवी इंडस्ट्री से इस साल लगातार बुरी खबरों का सामना आ रहा है और सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से अभी लोग उभरे ही नहीं थे। टीवी एक्टर समीर शर्मा ने भी आत्महत्या कर ली। समीर का शव उनके घर में पंखे से लटका हुआ मिला और कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुके समीर की आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। और समीर इस वक्त स्टार प्लस के टीवी शो ये रिश्ते हैं प्यार के में नजर आ रहे थे। आइए उनके करियर पर एक नज़र डालते हैं। समीर दिल्ली के रहने वाले थे और बाद में पढ़ाई के सिलसिले में बेंगलोर शिफ्ट हो गए और इसके बाद उन्होंने एक विज्ञापन एजेंसी में काम करना शुरू कर दिया और बेंगलोर में समीर कुछ समय तक रेडियो सिटी में भी काम करते रहे और इसके बाद एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए और पहली बार स्टार वन के सीरियल दिल क्या चाहता है के साथ डेब्यू किया था। उसके साथ साथ आपको बता दें कि दिल क्या चाहता है के बाद समीर को स्टार प्लस का फेमस शो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही ऑफर हुई और इसमें उन्होंने तुषार का किरदार निभाया और इसके अलावा वह कहानी घर घर के शो में भी नजर आए और सब टीवी के फेमस शो लेफ्ट राइट का भी हिस्सा बने। और इसके बाद समीर लगातार टीवी में सक्रिय रहे और हाल में ही वे रिश्ता प्यार में नजर आए। उसके बाद आपको बता दें कि समीर ने कुछ साल पहले फिल्मों का भी रुख किया था और समीर की पहली फिल्म बनी परिणीति चोपड़ा और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म हंसी तो फंसी। उसके बाद समीर साल 2017 में आई फिल्म इत्तेफाक का भी हिस्सा रहे। आपको बता दें कि डिजिटल का भी उन्होंने रुख किया था। वेब सीरीज के इस समय में समीर ने डिजिटल का भी रुख किया था। उन्होंने यूट्यूब चैनल आरे की वेब सीरीज आयशा माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड के जरिए डिजिटल डेब्यू किया था। इसमें उन्होंने एसएसपी आदिल शेख का किरदार निभाया था। तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देख के आपको मालूम चल गया रहेगा कि एक्टर समीर शर्मा के जिंदगी के बारे में और उनकी करियर की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।